नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी जानेंगे कि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल एक मल्टी विटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना और बार बार बीमार पड़ना आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकती है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा फेलिसिटा ओडी कैप्सूल शरीर के नाखूनों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल त्वचा पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल आँखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और मोतियाबिंद व उम्र से संबंधित आँखों की बीमारी होने के जोखिम को कम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर बेनफोटाइमीन 150 mg मौजूद होता है। बेनफोटाइमीन शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है। इसके अलावा बेनफोटाइमीन शरीर की मांसपेशियों, शरीर की नसों, दिमाग और दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बेनफोटाइमीन शरीर की नसों को डैमेज होने से रोकता है और डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी होने से बचाव करता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर मेकोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। विटामिन B12 को मेकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर हाथों व पैरों में सुन्नपन होना, हाथों व पैरों में सुई चुभने जैसी संवेदना होना, शरीर की नसों में दर्द व शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या हो सकती है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर अल्फा लिपोइक एसिड 100 mg मौजूद होता है। अल्फा लिपोइक एसिड शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड चेहरे की चमक को बढ़ावा देता है और बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड चेहरे पर दाग धब्बों व झुर्रियों को भी होने से रोकता है। अल्फा लिपोइक एसिड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियां होने के जोखिम को कम करते हैं। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड शरीर में लिवर, हार्ट व शरीर की नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और नसों के दर्द की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर क्रोमियम 200 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। क्रोमियम शरीर में ज्यादा भूख लगने की समस्या को कम करता है और शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा क्रोमियम शरीर के ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है, जो शुगर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल के अंदर इनोसिटॉल 150 mg मौजूद होता है। इनोसिटॉल महिलाओं में PCOS की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। महिलाओं में PCOS की समस्या होने पर महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित होना, शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक होना और प्रेग्नेंट होने में कठिनाई होना आदि लक्षण महिलाओं में PCOS की समस्या होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा इनोसिटॉल महिलाओं में
अंडे की गुणवत्ता में सुधार करके जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। इनोसिटोल डिप्रेशन होने के जोखिम को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इनोसिटोल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और फैटी लिवर होने से रोकता है। इनोसिटोल इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करता है और डायबिटीज होने के रिस्क को कम करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल का उपयोग शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में खून की कमी होने पर आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने पर, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने पर, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने पर, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं, स्तनपान करा रही महिलाओं और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को न ले, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि फेलिसिटा ओडी कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो आप फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू,
बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को लेने की सलाह दी है तो आपको फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे फेलिसिटा ओडी कैप्सूल एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि साइड इफेक्ट्स फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ परसेंट व्यक्तियों में इन साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया गया है। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को रेकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में लेने पर फेलिसिटा ओडी कैप्सूल की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसलिए आपको फेलिसिटा ओडी कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या फेलिसिटा ओडी कैप्सूल वजन को बढ़ाता है या नहीं। फेलिसिटा ओडी कैप्सूल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते है, इसलिए फेलिसिटा ओडी कैप्सूल आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फेलिसिटा ओडी कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।